हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लॉ। और अभी मेरा इस टाइम आपके सामने आने का मतलब केवल आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना है, क्योंकि आपका कल को लेखपाल का एग्ज़ाम है। आप सभी, कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ सुबह में निकलेंगे, तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी बहुत अच्छा करने वाले हैं, सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की है। इस टाइम आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल ही रिलैक्स रहना है। हाँ, आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि भाई अभी हमारा तो इतना बचा है, अभी हमें कैसे करना है, क्या करना है, उसका इतना सारा हो गया है, हमारा भी ये बचा है, वो सब आपको नहीं सोचना है। केवल और केवल आपको रिलैक्स रहना है, क्योंकि जब आप रिलैक्स रहोगे तभी आपका जो माइंड है वो आपका माइंड 100% काम करेगा। इसलिए आपको इधर उधर की बातों को सुन के उनमें डाइवर्ट अपना मन नहीं करना है, केवल शांत रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। और एग्ज़ाम अगर सेंटर की बात करें हम, तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको 9:30 बजे तक पहुंचना है। 9:30 तक आपकी, उसके बाद में आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, ठीक है। तो घबराना नहीं, और पेपर को देख के भी, अगर पेपर आपका ऐसा आता है कि टिपिकल आपको लग रहा है तो उससे भी नहीं घबराना है। क्योंकि देखो, जो आपको पता है, जब पेपर टिपिकल होता है तो सभी के लिए टिपिकल होता है, ऐसा नहीं है किसी एक स्टूडेंट के लिए रहता है। तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें टिपिकल में मेरिट हमारी लो जाती है, और अगर इजी रहता है तो मेरिट आई जाती है। तो इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जितना भी जैसा भी पेपर आता है कॉन्फिडेंटली बड़ा अच्छे से उसको हैंडल करना है। कॉन्फिडेंस लेवल तभी आपका हाई रहेगा जब आप बिल्कुल शांत रहेंगे, ठीक है। तो माइंड को, अपने को बिल्कुल शांत रखिए, और सभी को मेरी तरफ से गुड लक। आप सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सभी आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। गुड लक।